रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। आज की रेसिपी है चिकन कोरमा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन 600 ग्राम, टमाटर 3 अदद मीडियम, धो के छील लिया है इसे हम। प्याज ब्राउन करके हम इसे टमाटरों के साथ पीस लेंगे प्याज को, तो और प्याज 2 अदद स्लाइस में कटे हुए बारीक, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला साबुत 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है कम तो आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, हल्दी 1 टीस्पून और नमक हसबे ज़रूरत। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप सब ऑयल डालेंगे, अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल भी डाल सकते हैं, तो मैं घी डाल रही हूँ, इसे गर्म कर लेंगे। इसमें ये प्याज ऐड करेंगे, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ब्लेंडर में टमाटर, ब्राउन प्याज, इसे हम पेस्ट बना लेंगे। इसी ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 मिनट फ्राई करेंगे। ये चिकन ऐड करेंगे, चिकन भुन चुकी है, इसमें ये साबुत गरम मसाला डालेंगे ताकि गरम मसाले का टेस्ट इस चिकन में आ जाए। दो मिनट पकाएंगे। इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डालेंगे। चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, तेल अलग हो गया है। एक कप पानी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। डिश आउट करेंगे, इसमें धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है रेसिपी। तो ये ज़्यादातर ये शादियों में, विलेज की शादियों में बनाया जाता है ये कोरमा। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।